तो मम्मा भी क्या बना रहे हो? कटलेट चीज वाले? हाँ। तो मैं खोल दूं मैं? गाइस जस्ट लुक एट दिस, देखो भाई। सो भाई ये है अपना केक जो कि आ चुका है, हैप्पी मदर्स इस पे लिखा हुआ है। या तो ऐसा है कि तूने ना वो हरकत नहीं करनी जो फ्रेंड्स में करते हो तुम सब। Subscribe to YPM Vlogs and like the bell icon. Well, so guys, MM Vlogs back in. भाई आज एक और दिन lockdown के अंदर and भाई घर बैठे बैठे हो गया हूँ बिल्कुल out of content. मतलब एक बंदा घर बैठे बैठे कितना बना लेगा content, but still यार मैं try कर रहा हूँ कि बनता रहे content घर बैठे बैठे। तो भाई आज है मदर्स डे, तो आज की वीडियो में करूँगा अपनी मम्मा को सरप्राइज। कैसे करूँगा देखना बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक। बट आज क्या एक होने वाली चीज़ की मैं खाऊंगा आज घर का खाना 6 साल बाद। देखता हूँ मैं क्या मेरे को बना के देती है आज घर के अंदर। तो 6 साल बाद मैं आज खाऊंगा घर का खाना, क्योंकि इन 6 सालों में आज अभी तक मुझे याद है कि मैंने बिल्कुल भी घर का खाना नहीं खाया, लाइक 1% भी मैंने घर का खाना नहीं खाया। तो आज देखता हूँ कि कैसा पूरा होता है आज का व्लॉग। तो या वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंजॉय करिए एंड या आज खाएंगे होम फूड। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो 6 ईयर्स बैक मैंने यूज टू ईट होम फूड, जो मेरा फेवरेट था वो था चीज़ वाले कटलेट। या थी मेरी आलू पूरी, तो मैंने मम्मा को बोला कि आलू पूरी मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मम्मा फिलहाल बना रही है मेरे लिए कटलेट। तो जल्दी से चलता हूँ किचन में एंड देखता हूँ कि मम्मा कैसे बनाती है चीज़ वाले कटलेट। तो चलो। तो मम्मा भी क्या बना रहे हो? कटलेट चीज़ वाले? हाँ। तो आज बन रहे कटलेट वो भी ब्रेड के अंदर। तो मम्मा कितने दिनों बाद? अप्रॉक्स 6 ईयर्स बाद तू खाएगा मेरे हाथ के अभी। चलो कि बनाती तो मैं रहती हूँ। हाँ? पर तूने खाए नहीं कभी, आज तेरा मन आया तो मैंने कहा। तो मम्मा आज मदर्स डे है ना, हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू बेटा। तो मम्मा आपके लिए सरप्राइज भी है, तो वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। ओके ठीक है। और मैं आपको पता है लास्ट टाइम मैंने घर में बनाई थी मैगी, तो उसमें लोगों को लगा था हमारे घर में राइटर नहीं है। हाँ। तो आपको बताऊं कि मैं लाइटर से क्यों यूज कर रहा था? हाँ। क्योंकि रात को आवाज आती। हाँ, 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 क्योंकि पापा और मैं सो रहे थे। हाँ। तो इसलिए हमने दोनों चीजें रखी हुई, अभी भी तू दिखा सकता है। देख लो यहाँ पे माचिस भी और लाइटर भी दोनों है। तो अब एक्चुअली यदु किसी की जो भी कोई कुछ बोलते हैं तो बात पे वो नहीं करना चाहिए हमें। तो फिलहाल तो अभी हो चुके हैं आलू पूरे बॉयल और यहाँ पे मम्मा भी ब्रेड को चॉप कर रही है साइड से। तो मम्मा एक कटलेट में कितनी ब्रेड लगती है? एक में एक। और चीज लेग्स भी एक में एक जाएगी? नहीं, चीज नहीं जाएगी एक में। क्यों? क्योंकि चीज हेल्दी नहीं होता ज्यादा। तो मम्मा कभी भी चीज लेस के लिए मना करती थी, है ना मम्मा, कि चीज लेस नहीं डालनी। नहीं डाली, लेकिन तू मानता नहीं है। मैं ब्रेड भी वाइट लेकर आने, तो हमेशा ब्राउन ब्रेड खाती हूँ मम्मा। तो मम्मा अभी ये करोगे खोल के कुकर को? हाँ, उसके बाद पोटैटोस को पील करेंगे, फिर उसको मैश करेंगे, फिर इसके साथ में मिक्स करेंगे, देन अपना टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालेंगे। ओके। फिर स्पाइसेस डालेंगे। तो मैं अच्छा तो पिज्जा खाने नहीं चाहिए, अगर पिज्जा में तो चीज बहुत ज्यादा भरी होती है, तो इसीलिए तो मैं रोकती हूँ। ओके, तो जल्दी से खोलते हैं इसको। मैं खोल दूं मैं? नहीं, क्यों? अभी नहीं, अभी इसमें स्टीम है ना। अच्छा, तो ऐसा ऐसे खोल दी तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा? Yes. हो गए मैं बॉईल? Yes, potato is ready. पता कैसे लग रहा है मैं बॉईल हो गए? ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहे हैं ना। अगर छू के देखना, पानी डाल के देखना। नहीं नहीं नहीं, क्यों? बॉइलिंग हो रहा है। तो ये देखो, ये हो गए बॉईल एंड ये ब्रेड का पूरा कर लिया हमने रेडी। तो जो डो है वो तो बन चुका है एंड अब बन रहे हैं सारे यहाँ पे कटलेट्स और ऑयल भी यहाँ पे हो चुका है रेडी। लो ये, लो ये पूरा ले लो। ये बहुत ज्यादा है, ये तो ये बस इतना ही डलता है। हाँ, इसमें इतनी ही बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ये फ्राइड भी है। ओके, तो अभी ये अनहेल्दी हो जाएगी। वैसे भी तो अनहेल्दी है, फ्राइड है। चलो कभी कभी तो चल जाता है ना, नॉट ऑलवेज। अगर कितनी लगी बनने में? बस बनने में देर नहीं लगती। अच्छा, अगर ऑयल गर्म हो तो? ऑयल गर्म हो, ये शर्त है इसकी। ऑयल ठंडा हो तो फट जाता है। तो अब ऐसे देखो बन रहे हैं यहाँ पे कटलेट एंड यहाँ पे एक तो आ चुका है निकल के बाहर। तो मैं से बहुत कम देर लगती है, मतलब हाँ, बनने में तो बहुत जल्दी। और चीज से फट रहे हैं? चीज से फटते हैं। अच्छा, तो मम्मा यहाँ पे ब्रेड भी बनाती है। मैं करती थी तो एक ब्रेड उसको कट करी थी दो पार्ट्स में, फिर उसको मम्मा दिए फ्राई, तो वो लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे देखो ये आ गया गाइस, जस्ट लुक एट दिस, देखो भाई चीज वाला एंड लिटरली जो चीज़ें पूरी हो चुकी है मेल्ट एंड ये लगेगा बहुत ज़्यादा टेस्ट के अंदर। या A few moments later, मतलब भाई मेरा खा के लाइक बिल्कुल मन क्या, मतलब एनर्जाइज्ड हो गया, मतलब बिल्कुल मज़ा आ गया खा करके, इतने ज़्यादा सही बने। मतलब आपको ये नहीं पता कि जो बाहर बन रहा है वो कितना हाइजीनिक है, बट जो घर का होता ही होता है बहुत ज़्यादा हाइजीनिक एंड टेस्टी। मतलब ऐसा जो टेस्ट है मुझे कटलेट का आज तक कभी बाहर नहीं मिला, जो मेरे को घर में मिलता है हमेशा। एंड जो चीज़ थी वो रखी थी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेल्ट,
मतलब मज़ा आ गया खा करके। तो जो सरप्राइज है वहाँ के लिए मैंने मंगवाया अभी मदर्स डे का केक, तो मैं से करवाऊंगा मैं कट केक को। तो भाई अब ये तो है नहीं कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँगी, 7 PM से 7 AM तक घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद है, जो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह वो तो है ही वैसे बंद। तो या घर में देखता हूँ कि क्या क्या हो सकता है मेरे से बेस्ट, चल ट्राई माई लेवल बेस्ट की कुछ घर पर ही हो जाए सेलिब्रेशन वगैरह। तो वेट कर रहा हूँ फिलहाल केक आने की एंड आपको दिखा दूँ कि केक कैसा है फिर देखने में। सो भाई ये है अपना केक जो कि आ चुका है, हैप्पी मदर्स इस पर लिखा हुआ है एंड जो केक है ये लग रहा है बहुत ज़्यादा सही। तो या जल्दी से करते हैं अब केक कटिंग, मम्मा को बुलाता हूँ मैं किचन में एंड सो करते हैं कट। ठीक है तो फिर मैं लगा रहा हूँ कैंडल्स में फायर। सो मैंने कैंडल्स में भी जला दी है एंड मैं लगा फिलहाल इंस्टाग्राम की स्टोरी एंड फॉर दोस्त हु डोंट फॉलो मी इंस्टाग्राम को दीजिए फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, आईडी तो तुम पे दिख रही होगी। तो लगाता हूँ मम्मा को एंड या करते हैं जल्दी से केक को कट। तो मम्मा यहाँ पे आ चुकी हैं। हेलो मम्मा। हेलो। तो मैं कर लेता बने थे बहुत ज़्यादा सही। तूने ही बनाया है मुझे। सो ये डे तो तभी फुलफिल होता है ना, पैसे तो फिर जब बेबी एंड मॉम अपने हाथ से अपने बेबी पहले आप खाओगे लेकिन अब ये खाओ। ये नहीं मैंने खाना, ये नहीं खाना। क्या है ये ले। मैं पास में आ जाऊं गिर सकता है। यदु यदु ऐसा है कि तूने ना वो हरकत नहीं करनी जो फ्रेंड्स में करते हो तुम सब नॉर्मल खिला। मैं यदु प्लीज खा लो। नहीं नहीं नहीं। सो अब यहां पे आ चुका है पिज्जा एंड ये दूंगा मम्मा को मैं। तो यहां पे है पापा। हेलो। तो पापा क्या कर रहे हो फिर अभी आजकल? कुछ नहीं। आपका बर्थडे आने वाला 13th मई को। हां तो मेरा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट? तो ये पिज्जा है जो कि डिलक्स वेज चीज़ बस्ट है मीडियम और ये वाला है वेज एक्स्ट्रा वगैंजा लार्ज। तो आप कौन सा खाते हो, चीज़ बस्ट या लार्ज? नॉर्मल। अच्छा और एक लार्ज। बस एक ही खाओगे? नहीं नहीं मैं तो दोनों टेस्ट खाऊंगा। पर आप साथ में क्या ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक लूंगा बस। अब बाइक कब आ रही है तो बताओ। बाइक कब आ रही है? बाइक मेरे जन्मदिन पे अगले साल के। इस साल के नहीं अगले साल के। अच्छा नहीं तो फिर अभी हम वहाँ होते ना, होते ना स्विट्जरलैंड में। चलो कोई बात नहीं अभी पिज्जा खा के काम चलेगा। और आप आपके लिए सरप्राइज है 13th में के लिए, उसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड या मैं जल्दी से फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, मजा वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई ऐसा मैंने कही थी ना प्लानिंग वैसी हो नहीं पाई क्योंकि जो दिल्ली का मॉल है DLF एम्पोरियो वो फिलहाल बंद था एंड जब मैं गया दुबई मॉल तो मैंने सोचा था कि मम्मा के लिए वो चीज़ वहाँ से लूँगा बट वो चीज़ वहाँ पे उस वक्त आउट ऑफ स्टॉक थी एंड जो इंडिया में उसका प्राइस डिफरेंस है वो लगभग था 50,000 रुपये का, जो चीज़ वहाँ पे थी वो 120 की थी, यहाँ पे 170 की थी बट वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक थी। तो मैंने सोचा कि भाई जब जाऊँगा वापस इंडिया तो वहाँ से खरीदूंगा बट स्टिल सारा कुछ तो अभी बंद है तो होपफुली जब खत्म होगा लॉकडाउन मैं तब लेकर आऊँगा मम्मा के लिए वो सरप्राइज। तो या अब गैस करके बताओ कि क्या हो सकता है वो सरप्राइज़। तो या गाइस मिलता हूँ आपसे कुछ ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं बाय एंड भाई। साथ ही साथ फिलहाल मेरे को करना है मेरा PC अपग्रेड। सो मेरे क्या प्लान है कि इसमें लगाऊंगा मैं एक लिक्विड कूलिंग जो कि मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी कंपनी के लगाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि मेरे को कैसी लिक्विड कूलिंग लगानी है मेरे PC के अंदर। भाई अगर वैसी मिल जाए तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा एंड जो PC की लुक्स हैं वो हो जाएंगी बहुत ज़्यादा एनहांस एंड अभी जो मेरा PC वो थोड़ा लैग भी कर रहा था, सोच रहा हूँ उसकी जो रैम है वो करवाऊंगा मैं थोड़ी सी अपग्रेड। अभी उसकी रैम है वो 32 GB, उसको मैं करवाऊंगा 64 GB एंड फिर इसमें लगा हुआ है i7 तो उसको मैं करवाऊंगा शायद से i9। तो फिलहाल मेरा बजट अभी यही है कि मैं लिक्विड कूलिंग लगवाऊंगा और मम्मा का थोड़ा को सामान लूंगा जो DLF में बोलेगा खुलेगा जब मैं दोबारा दुबई जाऊँगा वहाँ से लूँगा। तो या गाइस मिलता हूँ कुछ ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, देन बाय एंड कीप सपोर्टिंग मेरे को, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। बाय।